सुना है कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि आरती ने वाकई में डिशवॉशर लिया है या ऐसे ही हवा में लंबी लंबी बातें किए जा रही है, क्योंकि लास्ट डिशवॉशर वाली वीडियो में मैंने डिशवॉशर के बगल में खड़े होकर अपनी कोई पिक्स दिखाई ही नहीं थी। अरे भाई, तो क्या मैं ऐसे ही 30 डेज हॉनेस्ट रिव्यू दे दूंगी? दोस्तों, जो आपने मेरे साथ विश्वास का रिश्ता जोड़ा है उसे निभाना भी तो है। जो वीडियो में गिफ्ट पैक वाली पिक्स थी वो मेरे ही डिशवॉशर की थी। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरती क्रिएटिव वर्ल्ड में। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिशवॉशर के प्रोज और कॉन शेयर किए थे और इस वीडियो में मैं आपके लिए फुल टेक्निकल रिव्यू लेकर आई। इस वीडियो में मैं इंस्टॉलेशन के पहले की फिटिंग और बाद का पूरा प्रोसेस बताऊंगी, इसलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा LG का प्रो स्टीम टेक्नोलॉजी डिशवॉशर। इसको खरीदने का मेरा मेन मकसद क्या था, उसके लिए आप डिशवॉशर का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम फिल करते हैं रिनसेट, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। एक बार फिल करने पर 15 दिन या एक महीने के लिए स्टोर हो जाता है। हर वॉश के पहले हमें इसे फिल नहीं करना होता। यहाँ पर हम फिल करते हैं डिटर्जेंट। हमें पर्टिकुलर डिशवॉशर में यूज होने वाला ही डिटर्जेंट यूज करना है, दूसरे किसी भी तरह का नहीं। इसे हमें हर लोड के पहले फिल करना होता है। अंदर की साइड में यहाँ पर हम डिशवॉशर सॉल्ट डालते हैं, जो कि वाटर की हार्डनेस कम करने के लिए होता है। फर्स्ट टाइम सॉल्ट के साथ इसमें हमें 1 लीटर RO या मिनरल वाटर भी डालना होता है, जिससे सॉल्ट मेल्ट होता है। हमारे यूटेंसिल में जो भी खाना लगा रह जाता है वो सभी यहाँ इस फिल्टर में आकर स्टोर हो जाता है। यूटेंसिल से अगर हम लेफ्ट ओवर फूड को अच्छे से बाहर ही हटा देंगे तो हमें इसके फिल्टर को बार बार साफ करना नहीं पड़ेगा, वीक में एक बार ही करना पड़ेगा, जो कि रनिंग वाटर के नीचे फिल्टर को उल्टा करने से ईजिली क्लीन हो जाता है। अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है हमारा LG डिशवॉशर। ये है स्टीम वॉश के 4 नोजल, जिससे बर्तनों की वॉशिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। हमें इसके लिए एक 16 एम्पियर के प्लग की आवश्यकता होती है, साथ ही रनिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए। वॉशिंग मशीन इनलेट पाइप के लिए 1/2 इंची पॉइंट की जरूरत होती है, बट डिशवॉशर में 3/4 इंच की। ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर हमारा डिशवॉशर इंस्टॉल नहीं हो सकता। और आउटलेट पाइप के लिए ड्रेनेज होल तो जरूरी है ही। इसकी ट्रॉली को निकालना और लगाना काफी इजी है। नीचे की ट्रॉली के सभी नॉब्स एडजस्टेबल हैं। नॉब के बीच की गैपिंग चौड़ी पतली सभी तरह की है। ब्रॉड वाली स्पाइक्स में हम कढ़ाइयां लगा सकते हैं और पतली वाली में हम प्लेट्स और थालियां एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की ट्रॉली को भी हम पूरा बाहर निकाल कर इजली लगा सकते हैं, बट डेली में इसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक क्लिक में हम ऊपर वाले रैक को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे की रैक बड़े यूटेंसिल के लिए और ऊपर की रैक छोटे यूटेंसिल के लिए होती है, पर हम चाहें तो ऊपर की रैक को थोड़ा नीचे करके यहाँ पर भी बड़े यूटेंसिल रख सकते हैं। यहाँ पर प्लेट्स वाली ट्विंस फोल्डेबल है, ये ग्लास के लिए स्पाइक्स है और फोल्डेबल स्लैब है जिसमें स्पून लगा सकते हैं। दोनों ट्रॉली के नीचे की साइड में स्प्रे फैन है, जिसमें बने छोटे छोटे होल से पानी स्प्रे होता है। नीचे की साइड के फैन में 4 स्प्रे आर्म है, जिससे बर्तनों में गर्म पानी हर डायरेक्शन में पहुंचता है, जिससे क्लीनिंग प्रॉपरली होती है।
एलजी डिशवॉशर की इनसाइड बॉडी पूरी तरह से एसएस की बनी है। अदर ब्रांड में किसी किसी में अंदर की बॉडी प्लास्टिक या फाइबर की भी होती है। आपको लग रहा होगा कि मैं बस इतने कम यूटेंसिल ही डिशवॉशर में अरेंज करूंगी। नहीं भाई, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि बर्तनों को कभी भी फैला के या पसार के मेट के सामने भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो आते ही सर पकड़ लेगी कि हे भगवान, इतने सारे बर्तन, तो भला मुझे कैसे अच्छा लगता। इसमें भी एक के अंदर एक बहुत सारे बर्तन हैं। अब हमें इसमें से सिर्फ लेफ्ट ओवर फूड ही हटाना है। बर्तनों को रनिंग वाटर में एक बार धोने या गला के रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम इसे अरेंज करते हैं। ये थाली का सबसे बड़ा साइज है, इससे ज्यादा बड़े साइज के बर्तन इसमें नहीं रख सकते हैं, वरना वो हमारे स्प्रे आर्म में टच होंगे। मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुकवेयर को अरेंज करने की कोशिश की है जो कि डेली में यूज़ होते ही हैं, जैसे कि आटा मसने वाला बर्तन, दो कढ़ाइयाँ, कुकर, दूध की तपेली और दो चाय की तपेली। ये यूटेंसिल सभी के घर में डेली ही यूज़ होते हैं। बड़ी प्लेट को हम साइड में अरेंज कर सकते हैं। बीच की छोटी जगह पर हम ग्लासेस और बड़े कप्स भी अरेंज कर सकते हैं। सभी यूटेंसिल को हमें डाउन फेसिंग रखना है क्योंकि वाटर का फोर्स नीचे की साइड से आता है। ओवरलैप भी नहीं करना है, नहीं तो यूटेंसिल ओवरलैप वाली जगह पर अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। अब हम ऊपर के रैक में भी बर्तनों को अरेंज करेंगे। यहाँ सभी तरह के कप और ग्लासेस अरेंज करेंगे। प्रेशर कुकर की गैस किट निकाल कर ही हमें इसमें रखना चाहिए, वरना लूज होने के चांसेस रहते हैं। हैंडल्स वाले बर्तन भी हम इसमें रख सकते हैं। ये मेरा दाल चावल का बर्तन है जिसे मैं कुकर में एक साथ ही रखकर बनाती हूँ। मुझे बड़े बड़े कुकर अलग से नहीं करने पड़ते, जिससे मेरे दिन भर में सिर्फ एक लॉड में सारे यूटेंसिल वॉश हो जाते हैं। इसमें हम सभी टपरवेयर के कंटेनर्स और बॉटल्स को भी वॉश कर सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक को भी इसमें रख सकते हैं। कुछ हार्ड प्लास्टिक में धीरे धीरे क्रैक्स आने की चांसेस रहते हैं, जैसे मेरी एक ट्रे वॉश होने के बाद में इतनी हार्ड हो गई कि उसमें कई जगह पर क्रैक्स आ गए हैं। लास्ट डिशवॉशर वाले वीडियो में मैंने जिन प्लास्टिक को दिखाया था वो सभी मैं इसमें वॉश कर लेती हूँ। अगर नाश्ते खाने के बर्तन यूज़ के बाद हम इसमें तुरंत ही सेट करते जाएंगे तो हमें अलग से अरेंज करने की एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। देखिए, यूटेंसिल को अरेंज करने में टाइम नहीं लगता, वो तो हम सोचते हैं कि मेरे एक ही लोड में सारे बर्तन आ जाएं, इसलिए इधर से उधर सेटिंग करने में उसमें टाइम लग जाता है। यूज़ करते करते ये भी हमारे लिए चुटकियों का ही काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सभी यूटेंसिल कितने ज़्यादा गंदे हैं। सभी कप में चाय के नीचे की साइड पूरी सूखी हुई है। बॉर्नवीटा वाले और हल्दी वाले ग्लासेस भी ड्राई हैं। चाय के स्ट्रेनर और स्पून भी पूरी तरह ड्राई हैं। मतलब मैंने किसी भी यूटेंसिल को पानी में से धोकर या सोक करके नहीं रखा है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों ट्रे में यूटेंसिल को लोड करने के बाद दोनों स्प्रे आर्म को हमें रोटेट करके देख लें कि कोई बर्तन फैन में अटक तो नहीं रहा है, नहीं तो स्प्रे आर्म के मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। अब हम इसमें डिटर्जेंट फिल करेंगे। मैं सिर्फ 1 टीस्पून फुल ही इसमें डिटर्जेंट फिल करती हूँ। अब इसे क्लोज करेंगे। जैसे कि हम मेन प्लग ऑन करते हैं, आप देख रहे होंगे कि वैसे ही इसकी एलईडी चालू हो जाती है। यहाँ से हमें पावर ऑन करना है। बाय डिफॉल्ट जो मोड सेट है वो है इको। इको इकोनॉमी प्रोग्राम है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है। चाहे तो हम डेली के लिए इसे यूज कर सकते हैं, बस पावर ऑन करना है और स्टार्ट करना है। सेकंड है ऑटो। ऑटो प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली आपके यूटेंसिल में कितना सॉइल है, कितना ऑयल है, कितना टीडीएस का हार्ड वाटर है, वो ऑटोमेटिकली मशीन टाइम एडजस्ट कर लेती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मशीन ऑटोमेटिक सेंस कर लेती है। नेक्स्ट प्रोग्राम है इंटेंसिव। इसका मकसद ये है कि जो ज्यादा हैवी सॉइल वाले यूटेंसिल हमें लग रहा है कि हमारे यूटेंसिल बहुत ज्यादा गंदे हैं, जो कि इको और ऑटो में क्लीन नहीं हो पाएंगे, उन यूटेंसिल को हम इंटेंसिव पर सेट करते हैं। इसके बाद है डेलिकेट। ये स्पेशली है क्रॉकरी के लिए।
डेली में तो हमारे मिक्स यूटेंसिल निकलते हैं, बट जब भी हम क्रॉकरी का फुल लोड कर रहे हो तब हम डेलीकेट सेट करेंगे। इससे इसकी टाइमिंग बहुत कम है, जैसे कि इको, ऑटो और इंसेंटिव तीनों प्रोग्राम लगभग 3-3 घंटे के हैं, बट डेलीकेट 2 घंटे का है। उसके बाद आते हैं रिफ्रेश पर, ये है 1 hour 6 minute का। इसका मकसद ये है कि ऐसी यूटेंसिल जो काफी लॉन्ग टाइम से रखी है, हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बार प्री वॉश कर लेना चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। इसमें कोई डिटर्जेंट वगैरह नहीं लगता है। नेक्स्ट है टर्बो। अब इको, ऑटो और इंटेंसिव, ये तीनों प्रोग्राम में तो 3-3 घंटे लगते हैं। अब ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसके लिए टर्बो प्रोग्राम बना है। ये 1 hour 40 minute का है। हमारे यहाँ की यूटेंसिल कम गंदे हैं और हमें लग रहा है कि टर्बो में क्लीन हो रहे हैं, तो इसे हम डेली में यूज कर सकते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ बिना प्याज लहसुन का सिंपल खाना लगता है, तो मेरे यूटेंसिल टर्बो में भी क्लीन हो जाते हैं। टर्बो में कम टाइम लगता है और इको, ऑटो और इंटेंसिव में ज्यादा टाइम सोकिंग का एक्स्ट्रा लगता है। इसके बारे में डिटेल में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए टर्बो में अगर सेट कर रहे हैं तो यूटेंसिल को अलग से सोक करके रख लीजिए, जिससे ये ज्यादा अच्छे से क्लीन हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इको, ऑटो, इंटेंसिव और टर्बो सभी में एक बराबर ही लगता है। कुछ एक्स्ट्रा भी फीचर्स हैं, इसको हम प्लस कर सकते हैं इन प्रोग्राम के साथ। ये ऑप्शनल है, डेली में इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ नीचे वाईफाई का सिस्टम दिया है, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है। ये प्रोडक्ट को सेल करने की सिर्फ एक मार्केटिंग है। हम सोचते हैं कि हम कहीं भी अपने मोबाइल से अपनी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम मोबाइल से एक्स्ट्रा फंक्शन डाउनलोड तो कर सकते हैं, बट स्टार्ट मशीन से ही होगा। वैसे भी ऑलरेडी इतने सारे फंक्शंस हैं कि हमें एक्स्ट्रा डाउनलोड की जरूरत ही नहीं है। वो सब सेटिंग हमारा टेक्नीशियन हमें बताएगा। अब मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मेन प्लग ऑन करना है, फिर पावर ऑन करना है, इको पर सेट करना है और स्टार्ट कर देना है। अब 3 घंटे बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ, जब तक दूसरे काम निपटा लेती हूँ। तीन घंटे हो गए हैं, अब मैं प्लग ऑफ करती हूँ, डोर ओपन करती हूँ। अब देखिए यूटेंसिल की शाइनिंग, इसकी शाइनिंग तो किसी मैजिक से कम नहीं है। मैं सोचती थी कि मेरे से ज़्यादा अच्छे से और साफ सफाई से काम कोई कर ही नहीं सकता, पर इंसान तो नहीं, एक मशीन ने मुझे ज़रूर फेल कर दिया। है ना जबरदस्त शाइनिंग, क्यों जी, लग रही है ना एकदम चमकदार चेहरा देखने लायक। रात को लोड करो और दिन में जब ऐसे चमकदार और फुल्ली ड्राई बर्तन मिल जाए तो किसका दिल नहीं आएगा इस डिशवॉशर पर। देखिए कढ़ाइयाँ पूरी तरह साफ हो गई हैं, यूटेंसिल सोपी भी नहीं रहते। इसमें जो सॉल्ट फिल करते हैं वाटर की हार्डनेस को कम कर देता है, जिससे वाइट स्पॉट भी नहीं रहते और रिंस एड के कारण यूटेंसिल में एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है। हमारे एरिया में जितना ज़्यादा हार्ड वाटर होगा उतना ज़्यादा सॉल्ट लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग रिंस एड भी। हमारे एरिया का वाटर TDS 585 के लगभग है, तो मुझे सॉल्ट और रिंस एड 15 days में फिल करना पड़ता है, पर डे 1 cycle पर। वाह, चाय की तपेली भी पूरी तरह साफ हो गई है। एक तपेली कुछ ज़्यादा जली हुई थी, मुझे लगा उसमें साइड में थोड़ा सा जला हुआ तो रह ही जाएगा, इसलिए मैंने चाय की 2 तपेली रखी थी कि आपको दिखा सकूं। बट वो भी मेरी उम्मीद से ज़्यादा बहुत अच्छे से साफ हो गई है, जैसे लग रहा है अभी सारे यूटेंसिल खरीद कर नए लाए हैं मार्केट से। कुकर की साइड में या मिक्सी के जार के बैक के साइड में पानी थोड़ा निकल नहीं पाता, इसलिए इस तरह से पानी भरा रह जाता है। दूध के बर्तन तो क्या साफ होते हैं, मजा ही आ जाए। क्रॉकरी तो क्रिस्टल क्लियर निकलती है। अब ऊपर की रैक भी देखते हैं। वाह, ये भी चमचमा रहे हैं। अब सोच रही हूँ कि जब भी दिवाली पर क्रॉकरी यूनिट पूरी खाली करके साफ करूंगी तो सब क्रॉकरी इसमें लोड करके एक बार रिफ्रेश मोड पर चला दूंगी। धो के पोछने का चक्कर ही नहीं रहेगा। हाथ से या मेट से क्रॉकरी धुलवाने पर टूटने के चांसेस होते हैं, इसमें तो वो भी नहीं है। आपको लगेगा 3 घंटे में धुलते हैं, हम तो 15 मिनट में धो सकते हैं। जी हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ कि इसकी यानी कि LG के डिशवॉशर की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है,
जिनको इसे दिन में भी चलाना है उनके लिए एलजी उपयुक्त नहीं है, बट मैं इसे रात में सिर्फ एक बार ही चलाती हूँ तो मैं तो इसकी क्लीनिंग से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। इससे ज़्यादा हाइजीनिक वॉश तो हमें कहीं नहीं मिल सकता। मेरे इस दाल चावल वाले बर्तन में कभी कभी बाहर की साइड में कुछ कुछ लगा रह जाता है, वो हाथ से ऐसे ही साफ हो जाता है पर क्यों रह जाता है पता नहीं, अंदर से एकदम क्लीन हो जाता है। सच कहूं तो मुझे आयरन के तवे के अलावा किसी भी तरह के यूटेंसिल हाथ से नहीं वॉश करने पड़ते, क्योंकि मशीन तो स्मार्ट होती है पर हम उसका कितना स्मार्टली यूज करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक बार हम अपने डिशवॉशर को समझ लेंगे तो इसे वैसे ही इजीली यूज कर पाएंगे जैसे हम वॉशिंग मशीन को करते हैं। आप एक बार बैग जाकर फिर से देख सकते हैं यूटेंसिल कितने ज्यादा गंदे और सूखे हुए थे। मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, वॉशिंग मशीन की तरह सिर्फ वीक में एक बार फिल्टर ही रनिंग वाटर में साफ करना होता है। मंथ में एक बार 100 ग्राम व्हाइट विनेगर को ऊपर की रैक में रखकर इंटेंसिव पर चलाना होता है, इससे पूरी मशीन क्लीन हो जाती है बस। यूटेंसिल को क्लीन करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सॉल्ट, रिंसेट और डिटर्जेंट। डिशवॉशर का सॉल्ट वाटर हार्डनेस को कम करने के लिए डाला जाता है जिससे यूटेंसिल व्हाइट स्पॉट नहीं रहते हैं। 1 kg सॉल्ट एक बार में पूरा फिल किया जाता है। रिंसेट ये बर्तनों को साइन देने में हेल्प करता है, मेरा इसमें से 2 बार यूज हो चुका है। जितना ज्यादा वाटर हार्ड होगा उतना ज्यादा हमें सॉल्ट और रिंसेट लगेगा। सॉल्ट को फिल करने के लिए ये फनल डिशवॉशर के साथ ही आया है। ये है डिटर्जेंट। ये सभी चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती है, लोकल मार्केट में नहीं। डिटर्जेंट को मैंने इसमें फिल कर लिया है। ये है कटलरी बास्केट, पार्टीज़ वगैरह में बहुत सारी कटलरीज निकलती है तब हम इसको इसमें सेट करके ट्रॉली में रख सकते हैं। ये सभी डिशवॉशर के साथ ही आती है। मेरे यहाँ सॉल्ट ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने ये सॉल्ट का कॉम्बो मंगाया है। ऐसे 1 kg सॉल्ट 150 का आता है बट कॉम्बो में 2 kg का सॉल्ट 200 का मिलता है। 3 पैक यानी 6 kg लेने पर सिर्फ 725 का मिला। इस तरह से कॉम्बो पैक मंगाने पर काफी रीजनेबल पड़ता है। फ्रेंड्स, ये मेरा टेक्निकल रिव्यू का फर्स्ट वीडियो था। अगर इससे वाकई में आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए हों तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक छोटा कमेंट सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी देता है और मोटिवेट करता है। लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा और जिसके लिए भी ये डिशवॉशर का वीडियो यूजफुल हो उसे शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।